सामयिक चर्चा के रूप में ये हमारे तरफ से ये श्रद्धांजलि गीत के रूप से यह श्रद्धा सुमन अर्पित उस दिवंगत आत्मा बाबूजी को हम देना चाहेंगे। कैसे? कवि का लेख है। कि मातु पिता पग धूल में, मात पिता पग धूल में, यानी हम लोगों का यानी हर इंसान का अगर असली भगवान असली कोई देवता है तो माँ और पिता है। जिन लोगों के वजह से आज हम या आप या संसार को देख रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि मात पिता पग धूल में है जीवन का मूल। इस जीवन का मूल है माता पिता का सेवा करना। बकिया सब बाकी जितना भी हम लोग करते हैं वह बेकार है। भैया 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 तुम सब बैठ जाओ। कि मात पिता पग धूल में है जीवन का मूल, बाकी तीरथ भरू मना समझो का तू बबूल रे भैया समझो। मात पिता पग धूल में है जीवन का मोल, बाकी तीरथ भर मना समझो काट बबूल रे भैया समझो काट बबूल। माई बाबू मर गईलन, अब उनका नाम पर घड़ी घंटा बनाई, उनका नाम पर दान दक्षिणा दियाई। आ लोग कहियन कि देख भैया अपने बाबू के हई हई सम्मान देव न, ते सगरी सम्मान तुहर बाबू जी पई हो। चढ़ चल गगन अटरिया सेजरिया जहाँ साहेब के, कोनो बात हो तो फटाक से लोग ऊपर अगुरु देखिए कहिए रे भगवान सब देखत। आप आदरणीय दिनेश यादव, अच्छा ये टेंट का व्यवस्था आपका है, क्या बात है, बहुत गजब का व्यवस्था है आपने दिया है। 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद के कामना बा। ई व्यवसाय करे वालन लोगन का पाखंड जेई सगरी बनौले बाते रही बरही घरी घंटा बान्ह घाट नहा हाई बार छिलवा द मोच छिलवा द तब जाके तुहर बाबू स्वर्ग में जई। हम लोगन से पूछी ला कि गप दे लोग ऊपर अंगुरिया देखावेला ऊपर स्वर्ग बा। कौनो गांव हो भैया उ गांव केतनो पिछड़ा हो केतनो उ दबल कुचलल गांव हो वो गांव में नहर पानी सड़क कुछ ना बा, लेकिन लोग पैरवा से चल के लीख बना देलन कहन अनुभव गौवा में है ये रास्तावा जाई। लेकिन हो स्वर्गवा में कर रास्तावा कहा बा, इतना बढ़िया उस स्वर्ग बा, लेकिन वहाँ जाए वाला रास्ता व्यवसाय करे वाले लोग बताते नहीं है। कहन की है हवा देव तो हवा जाके पैब, मतलब जौन कमैले हव जियते हमके दे दो हम खा के सुखी रह तू भिखिए मांग, आ जब मर जेब तो वहाँ जाके पैब। ए भैया मर गईला पर किरा पता बा कि हम का पाइब का ना पाइब। यही लिए कवि जी लिख रहे हैं कि मात पिता पग धूल में है जीवन का मूल, बाकी तीरथ भर मना समझो काट बबूल। केहू मैहर का दर्शन करता, केहू विंध्याचल का दर्शन करता, केहू वैष्णव का दर्शन करता, आ घर में माई बाबू दुआरी पर बैठ के टर टर करता, एक घोट पानी बिना तरसत हो। दर्शन से कोई मतलब नहीं है। पढ़ लिख के तू क्या किया जो सतनाही सुहाए, धर्म कर्म की आड़ में ठगवा लूटी लूटी खाए रे भैया ठगवा लूटी लूटी खाए। जग से जाना साँच है
देखत हो तू रोज नेक कमाई घर चलो मन का लिखे सरोज रे भैया मन का खिले सरोज। हेलो एक एक शब्द पे आप लोग थोड़ा गौर करी हम कवि जी लिखत है इनका आरे याद कई के रोवे लोगो ये दुनिया से गईला के बाद पहले मुट्ठी बांधे आयो हाथ पसारे जायो न कुछ लेके अला न कुछ लेके जाइब लेकिन गईला के बाद लोग कर्म कमाई के ही याद करेलन। कभी जी एक गीत लिखे थे कि केहू सिंहासन पे आसन लगावे केहू कटोरा टटोलेला आ केहू पुजाला केहू पछताला जबले सुगनवा यानी जीते जी अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो यह समाज आपका सम्मान करता है माला पहनाता है सर पे उठा लेता है और मर जाने के बाद भी आपके तस्वीर के ऊपर यह समाज माला पहना कर सर को झुकाता है नमन करता है। यही लिए आज हमके यहाँ देखे के मिलल है कि बाबूजी जो आज हम सभी के बीच में नहीं है शंकर राम उनके नाम पे जैसे लग रहा था कि कोई त्योहार है मेला लगा है लसियो अनाथ नहीं खे केहू नहीं खे पीछे आगे आ तेरही केहू को त्योहार नियर लागे बहु जानी मर जात ना कुकुर बिलार ना पूछत और जो और आज यहाँ का तेरही जो जिसको हम लोग तेरही कहते हैं जैसे लग रहा था कि कोई त्योहार है यानी गईला के बाद भी लोग सम्मान से आपके नाम पे कुछ भी कर रहे हैं वह नेक कमाई है। इस कमाई को सबको करना चाहिए कहना है क्या अरे याद कई के रोवे लोगो अरे तो याद कई के रोवे लोगो आहै कर्म या कमैया होले जब बिदैया दुनिया से हो कहेलन की बड़ा बढ़िया रहलन हमके बड़ा सम्मान करत रहलन चाहे हमके बड़ा इज्जत के नजर से देखत रहलन चाहे बड़ा समाज के हित में काम करत रहलन लोग याद करके रोवेला। आ यही संसार में कुछ लोग ऐसा हो कि मर गईला के बाद लोग कहेला कि बाप सारे मर गए बहुत बढ़िया भई कर्म पे डिपेंड है ना इसीलिए मैं कहती हूँ याद कई के रोवे लोग कर्म या कमैया आप आदरणीय जवाहर बिंद बलुआ से निर्गुण गायक हैं आपकी ओर से थे सम्मान का जीवन नहीं था उस समय चमरिया माई कहाँ गई रहली तब तो चमरिया माई के आवे के चाहिए। मेरे कहने का मतलब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने वह काम कर दिखाया जौना काम के देवी देवता भगवान भगवती केहू ना कैलस एक गरीब समाज के संविधान में अधिकार दे के चल गए। इसीलिए आज भी जमाना बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को याद करता है उनके जाने के बाद भी कहना है चली गई ने बाबा देके जीए के आधार हो जब जब याद हो आवे जब जब याद आवे जब जब याद आवे बहे आंसुओं के धार हो जब जब याद आवे बहे आंसुओं के धार हो जब जब याद आवे
आती है तो आंखों से आंसू नहीं रुकता है। ये देखे यहाँ पादरी अजय राय मास्टर साहब फाउंडर ही की धरती से 500 रुपयों का सम्मान आपके माध्यम से हमें एक कार्यक्रम मिला था, शादी में आना था। हमनी से साहेब जी के छीनल सिसमैया धर्म परम के हिसाब से भी अगर देखब तो राम अलन हो गैलन, यानी जे मानो भेष में आये। हालांकि इन सब बातों को मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि राम भी आए वह भी चले गए, श्याम भी आए वह भी चले गए। मेरे कहने का मतलब जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, आना जाना दुनिया का शाश्वत नियम है। बाबा साहब भी आए हम गरीबों को सहारा देकर, वह भी चले गए। चाहूंगी हम साहेब जी के छिनल सिसमैया, हमनी से साहेब जी के छिनल सिसमैया, भोले जब भी दैया दुनिया के। हमनी के साहेब जी के छिनल समैया, भोले जब भी दैया दुनिया से। एक प्रमाण और देना चाहूंगी, काहे पागल आइल बाड़ो, काहे पागल आइल बाड़ो लोभ अहंकार में। ए माया मोह में काहे पागल भइल हो भैया। आ मिलो जुल के रोहल हो सीखो, मिलो जुल के रोहल सीखो एही संसार में, काहे पगलाइल बड़ा लोभ है अहंकार में, मिलजुल के रोहल सीख यही संसार में। थोड़ा सा कोटेशन की बात मैं बताना चाहूंगी, मैं कहती हूँ तुम हंस नहीं सकते हो और रो नहीं सकते हो तो तुम मनुष्य नहीं पत्थर हो। तुम हंस नहीं सकते हो, रो नहीं सकते हो तो तुम क्या हो, मनुष्य नहीं पत्थर हो। जो ज्ञान मानवता को पीस डाले, जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। जौना ज्ञान पे हमके अहंकार बा, जिस ज्ञान जो ज्ञान मानवता को पीस कर पी जाए वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। एक बात और कहना चाहेंगे क्या, काहे पागल आइल बाड़ो, काहे पागल आइल बाड़ो लोभ अहंकार में, आ मिलजुल के रोहल सीखो, मिलजुल के रोहल सीखो यही संसार में, चके में एक दिन उड़ी है चिड़ैया, अचके में एक दिन उड़ी है चिड़ैया। जैसे आज हम लोगों के बीच में बाबूजी नहीं है, दिवंगत हो गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। अचके में एक दिन उड़ी है चिड़ैया, हुई है विदैया दुनिया से।
बताना चाहूंगी क्या, चार दिन के जिंदगी में, चार दिन के जिंदगी में भांति भांति गोप गाप गुम गाप गुम गाप गुम गायों में दिक्कत होती है। चार दिन के जिंदगी में भांति भांति गोम्बा, यानी पैदा हो गई नी चाहे आप हो गई ला, जब से होश संभरल तब से आ जब मरे के घड़ी लेतना ये दुनिया में गोम्बा का आज पिया ने आजा। चार दिन की जिंदगी में भांति भांति गोम्बा, कोना बात के गोम्बा, खैला पियला के गोम कोम्बा, जतिया अनेक औरी अनेको धरम्बा। हम पैदा तो होते हैं इंसान बनकर, लेकिन जब होश संभाली ला तो हम जाति में बढ़ जाएगा। आज जब जाति में, जात में जब हम बढ़ते हैं तो बनते क्या है, केहू हिंदू बन जाला, केहू मुसलमान बन जाला, केहू यादव बन जाला, केहू चमार बन जाला, केहू चौहान बन जाला, लेकिन हम तो पैदा हुए इंसान बनकर ना, तो इस दुनिया से हमें इंसान बनकर ही जाना चाहिए, लेकिन हम लोग इंसान बनकर नहीं जाते हैं, तमाम जातियों में बढ़कर जाते हैं। कोई चौहान बन जाता है, कोई चमार बन जाता है, कोई यादव बन जाता है, कोई पंडित जी बन जाता है। कहना है अरे चार दिन के जिंदगी में भांति भांति गोम्बा, जतिया अनेक औरी अनेको धरम्बा। जल्दी से बताइए, अरे आदमी न बोले केहू पावे लाए भैया, अरे आदमी न बोले केहू पावे लाए भैया, वो तो बाप गैया दुनिया से हो। आदरणीय महमूदपुर की धरती से विनय प्रधान जी, यान भैया विनय प्रधान जी महमूदपुर से। अच्छा भावी प्रधान, यानी अभी प्रधान पद के आप प्रत्याशी बनने वाले हैं, क्या बात है। संविधान के तहत सबको लड़ने का मौका मिला है और लड़ना भी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, 100 रुपयों का सम्मान। कहना है आदमी इंसान बन के पैदा होता है, लेकिन मर रहा है हिंदू बन के, मुसलमान बन के, चमार बन के, चौहान बन के, जबकि जरूरत है कि सिर्फ इंसान के ही रूप में हम इस दुनिया से जाएं। कहना है चली गई ले शंकर रामा सबके पिसार हो, श्रद्धा सुमन महादेव। आज बाबूजी शंकर राम जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी यह जन सैलाब लगा हुआ है। उनके नाम पे दरवाजे पे हमने देखा, यहाँ भी देखा, मेला लगा हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी शंकर राम बाबूजी जब जियत रहलन तो करत का रहलन, अरे बहुते मशहूर रहले भजन के गवैया। ये देखें दिवंगत बाबूजी की आप सबसे छोटी बहू रानी, आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान से 200 रुपयों का सम्मान, बाबूजी की छोटी बहू की ओर।
अच्छा बाबूजी के छोटे बेटे के बाबूजी कौन शिव नारायणी भजन गाते थे। कहना है बहुत मशहूर रहले हाय भजन के गवैया, बहुत मशहूर रहले भजन के गवैया भैली बिदैया दुनिया। पूरा परिवार करे पूरा परिवार करे कर्म के बखान हो, पूरा परिवार करे कर्म के बखान हो। जैसे आप बाबूजी के दिवंगत आत्मा के भतीजा हैं आकर बता रहे हैं कि वो 65 साल तक शिव नारायणी भजन गाए थे। हमने मैं घर में भी बैठी थी, सारी महिलाएं उनका बखान कर रही थी लोग। यही होना भी चाहिए। आज सब लोगों को सब लोग कहे बाबू रहले महान हो, पूरा परिवार करे कर्म के बखान हो, सब लोग कहे बाबू रहले महान हो। ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया था। लड़का बेटा बेटी दामाद नाती नतनी गांव जवार के लोग सब लोग कह रहे हैं कि बाबूजी बहुत अच्छे थे। सगरी समाज करे सगरी समाज करे आदरिया बढ़िया, आप दिवंगत बाबूजी के मझिला बेटा इस लाइन में कहे संतोष जाए के बा छोड़ सगरी मेला, छोड़ सगरी काहे जाए के बाद आज जग बसराया बाबू, जग बसराया हवा केहू ना रहे त्यागी सरोज के हुना मिली संग मैया, जब जाए कोई तो केहू संगतिया मिली ना, अकेले ही जाए के पड़ी केतनो पटता तो का करी। लोग कहलन बियाह होला तो लोग कहलन कि है सात वो फेरा लिया था सात जन्म सथवे रहे के। धर्म कर्म कहता है कि जब बियाह होला गांठ जोड़ के तो सात वो फेरा लिया ला काहे खाती कि हमनी का सात जन्म साथे रहल जाए। आई दिमागवा कहाँ गइल बा, अखिया का पटिया खोला छह जन्म का मारा गोली यही जन्म हुआ में साथे लोग नहीं जाला जाला, पहले ही जन्म में साथ छूट गल छह को जन्म के देख ले भैया। यानी मरद मेहरारू जो सात जन्म साथ रहे के वादा करेला वो साथे ना जाला अकेले जाए के होला। यही लिए कहे बा अरे तो त्यागी सरोज के हूँ ना मिली संग मैया, भोले जब भी दैया दुनिया से हो, त्यागी सरोज नहीं मिले संग मैया भोले। जब भी गई